सर, आज उपायुक्त कार्यालय पर किस बात को लेकर आपका ये जो प्रदर्शन था आप थोड़ा बताएं। सीटू के द्वारा आज शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन जो किया गया वो ईएसआई के मुद्दे को लेकर था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई महीनों से शिमला शहर, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, जहाँ सरकार भी बैठती है, जहाँ हेल्थ के डायरेक्टर भी बैठते हैं, इसी डिस्पेंसरी के अंदर कई महीनों से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, और जिस कारण जो है मजदूरों के जो ईएसआई के बिल है, मेडिकल बिल, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मजदूरों का जो लीव एनकैशमेंट का पैसा है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, और कई बार मजदूरों के द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बावजूद भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहलकदमी इस दिशा में नहीं की गई है। तो हम सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि तुरंत जो है ईएसआई डिस्पेंसरी शिमला के अंदर डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। मेडिकल बिल जो पिछले अक्टूबर 2023 से लेकर क्लियर नहीं है, भुगतान उनका नहीं हुआ, उसका तुरंत भुगतान किया जाए। अगर ये मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होता है और डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती है, हम ये भी चेताना चाहते हैं कि निश्चित तौर से आंदोलन के अगले पड़ाव में कसुमटी के अंदर जहां निदेशक स्वास्थ्य बैठते हैं वहां उनके दफ्तर के अंदर जाकर हम प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, और उनको सुनाएंगे हम कि जो मजदूरों की पीड़ा है, मजदूर की जो सामाजिक सुरक्षा है, उसको छीनने की साजिश नहीं चलेगी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ईएसआई का जो योजना है उसका सार्वभौमीकरण होना चाहिए। जगह जगह जो है जहां जहां मांग रही है कि ईएसआई की डिस्पेंसरियां और अस्पताल खुलने चाहिए, उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए, और जहां प्रपोजल भी है वहां पर तुरंत जो है स्टाफ और डॉक्टरों की भर्ती की जानी चाहिए। जहां ऑलरेडी ये स्कीम चल भी रही है वहां भी स्टाफ की जो है प्रॉपर नियुक्ति होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक खतरा जो पूरे देश के अंदर भी चल रहा है वो ये है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो 4 लेबर कोड लाए हैं उनमें जो एक लेबर कोड सामाजिक सुरक्षा का लेबर कोड है, उसमें ईपीएफ और ईएसआई जैसी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनको डील किया गया है। उसमें खतरा ये मंडरा रहा है कि ईपीएफ का जो शेयर है टोटल वो 24% से गिरकर 20% हो रहा है, जिसमें मालिक और मजदूरों के दोनों के शेयर को कम किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ईपीएफ के जरिए सुविधाओं में कटौती होगी, कम होंगी। इसी तरीके से ईएसआई का जो शेयर है लगातार 6.5% से दोनों हिस्सों को मालिक और मजदूर के उसको घटाकर 4% कर दिया गया है, और सामाजिक सुरक्षा कोड में तो जो ईएसआई की योजना के निजीकरण की भी वकालत कर दी गई है, जिसका मतलब ये होगा कि आने वाले समय में सरकार के दायरे से ईएसआई को छीनकर अंबानी अडानी या जो पूंजीपति हैं या निजी फर्म हैं उनके हवाले किया जाएगा। तो इन सारे विषयों को लेकर जो सीआईटी पूरे देश के अंदर भी एक आंदोलन लड़ रही है और इन मुद्दों को उठा रही है, और यहाँ भी जो हमने मुद्दा उठाया है कि डॉक्टर की नियुक्ति, स्टाफ की नियुक्ति के साथ मेडिकल बिलों का जो है भुगतान के साथ या लीव एनकैशमेंट के भुगतान के साथ या जगह जगह जो है ईएसआई की योजना का विस्तार करने के साथ जो लेबर कोड जिस तरीके से बनाए गए हैं और जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोड एक है और जिसमें ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं पर हमला है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होगी।